धनबाद में विपक्ष को उखाड़ फेंकने के मिशन के साथ जहां धनबाद भाजपा 11 अप्रैल को रांची सचिवालय को घेरने में जुटी हुई है, वहीं इसके उलट भूली में कुछ कार्यकर्ता अपने भूली मंडल अध्यक्ष को ही उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हैं। आपको बता दें, भाजपा भूली मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के खिलाफ तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब महामंत्री बृजेंद्र शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष सूरज कुमार पासवान ने सुमन कुमार सिंह के साथ चर्चित LBS के खिलाफ मार्च निकालकर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के आवास पर मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की थी। इसका विवाद थमा भी नहीं था कि अपने समर्थकों के साथ रविवार को भाजपा भूली मंडल के महामंत्री बृजेंद्र शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा ने भूली मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के इस्तीफा की मांग करते हुए जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के आवास के सामने प्रदर्शन किया और मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। बृजेंद्र शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा ने आरोप लगाया कि सुमन कुमार सिंह के मंडल अध्यक्ष बनने के बाद भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया गया, जिस कारण कई लोग पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सुमन कुमार सिंह के कारण भूली में भाजपा पार्टी कमजोर हो रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने समझाने का प्रयास किया कि पार्टी 11 अप्रैल को रांची में झारखंड के लुटेरी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ऐसे समय में इस तरह के विवाद को उठाना उचित नहीं है। 48 घंटे का समय पहले पार्टी के लिए दीजिए, इसके बाद भूली मंडल के विवाद को सुलझाया जाएगा। चंद्रशेखर सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के संविधान के मुताबिक कार्य करने का सलाह दिया। आश्वासन के बाद महामंत्री ने कहा कि अगर निर्धारित समय पर मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला अध्यक्ष के घर के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे। ऐसा है कि हम लोग तो संगठन का काम करते हैं, संगठन के प्रति हम लोग चलते हैं। फिर संगठन में ऐसा हो रहा है कि अभी श्री सुमन सिंह जी जो कि हम लोग का मंडल अध्यक्ष हैं और वो युवा मोर्चा का सभी मतलब पदाधिकारियों को मतलब प्रलोभन देकर वो इस्तीफा दिलवा दे रहे हैं। तो कई बार मैंने देखा ऐसा है वो किए, तो मैंने समझाया भी कि देखिए संगठन को जोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, मगर आप संगठन से लड़का लोग को तुलवा देते हैं और ऊपर से सांसद प्रतिनिधि हैं माननीय ललन मिश्रा जी, वो बधाई देते हैं इस्तीफा देने पे, और बबलू सिंह जी जो महामंत्री हैं वो भी बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस्तीफा दिए युवा मोर्चा से। तो कहीं ना कहीं बहुत त्रुटि है मंडल अध्यक्ष में और इन लोगों पे कहने पे ये तीनों मिलके संगठन को तोड़ रहे हैं और हमारा भाजपा का वोट धीरे धीरे माइनस होते जा रहा है। पिछला बार भी 5000 वोट माइनस हुआ भाजपा का भूली से। तो ये संगठन जोड़ने का काम नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ। संगठन के प्रति, भारतीय जनता के पार्टी के प्रति कोई भी अगर गलत शब्द बोले या भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नीचा गिराने का काम करेगा तो वो संगठन में ही अगर रह के काम कर रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूँगा, वो चाहे जो भी रहे। इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष से बात हुई थी अभी? जी, जिलाध्यक्ष जी के यहाँ मैं गया था। मैं तो 2 दिन पहले ही प्रोग्राम भी किया था और पूरा भूली भ्रमण करके माननीय जिला अध्यक्ष जी का आवास पे जाके घेराव किए थे। जिला अध्यक्ष जी आश्वासन दिए थे मगर नहीं कुछ सुनवाई हुआ, तो फिर महामंत्री बृजेंद्र शर्मा जी उर्फ पप्पू जी वो मतलब वो भी अपनी रैली निकाले। पूरे उनके कैबिनेट का 5 से 6 लोग साइन भी किए, जिसमें मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सभी लोग मिल के और एसी मोर्चा का पवन दास जी हैं, ये लोग सभी मिल के घेरने का काम किए हैं जिला अध्यक्ष जी को। और जिला अध्यक्ष जी अभी आश्वासन दिए हैं कि नहीं, अभी ये सब हम 2 दिन टाइम लिए हैं कि अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को 11 तारीख को निकम्मी और भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार के खिलाफ झारखंड सचिवालय को घेराव करने जा रहे हैं 11।